नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करो और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, इस हाथ में सर्वप्रथम कुछ विदेश से होने वाले लाभ के योगों को और विदेश यात्रा के योगों को बताऊंगा। देन उसके बाद एज यूजुअल फिंगर के एनालिसिस का, दूसरे पाम का एनालाइज कर आपके सामने व्यक्त करूँगा। तो सर्वप्रथम, जब भी बात आती है विदेश यात्रा की या विदेश दौरे की या लाभ की, तो सर्वप्रथम हमको बाहरी दुनिया और बाहरी लोगों के विषय में जो है सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो वो जानकारी मिलती है खासकर चंद्र के क्षेत्र से। चंद्र ही एकमात्र कारण नहीं होता कुंडली में या फिर हाथ में विदेश जाने के योगों का, लेकिन बहुत इसका जो एक जो एवरेज है बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम जो आइडेंटिफिकेशन है वो कुछ इस प्रकार से है कि जो इनकी लक लाइन निकल रही है इस प्रकार से, जिसे आप फेट लाइन कह सकते हैं या फिर सैटर्न लाइन कह सकते हैं, वो एकदम बिल्कुल कंटिन्यूसली जो है बिल्कुल सेपरेट तौर पर यहाँ पर चंद्र के क्षेत्र से निकली और झुकाव जो है जा रही है शनि पर, परंतु झुकाव किस पे है? गुरु पर। तो जब इस प्रकार के योग बनते हैं तो व्यक्ति का परमानेंट सेटलमेंट होने के चांसेस बहुत ब्राइट होते हैं, जब चंद्र और यहाँ पर गुरु का मिलन इस प्रकार से होता है। चंद्र जो है आपका विदेश, बाहरी दुनिया, बाहरी लोग, वहाँ से होने वाले लाभ, दूसरों का सहयोग, पत्नी, उनके घर वालों के संबंध, इसके विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। और जब भाग्य रेखा ही यहाँ से निकले तो व्यक्ति को उससे से रिलेटेड सारे जो बेनिफिट्स हैं लाइफ में देखने को मिलते हैं। जैसे फॉरेन ट्रैवलिंग चांसेस 100% है, विदेश से लाभ भी है, जन्म स्थान से दूर प्रोग्रेस है, यही रीज़न है कि फॉरेन जाएंगे। फिर शादी और शादी के बाद होने वाले प्रोग्रेस को भी यही इंडिकेट करता है। वाइफ का सपोर्ट भी बहुत बेहतरीन रहेगा, शादी के बाद उनके घर वालों की तरफ से भी अच्छा सपोर्ट लाइफ मिलेगा। ऐसे लोग जो है दूसरे के सहयोग के कारण या दूसरे के प्रोत्साहन के कारण लाइफ में बहुत फेम, पॉपुलैरिटी गेन करते हैं और सक्सेस जो रेट है बहुत हाई जो है ऐसे लोगों का होता है, क्योंकि ये सपोर्टिव लक लाइन है जो कहीं ना कहीं सो बात की एक बात यही इंडिकेट करती है कि ऐसे लोगों की लाइफ में दूसरों का सपोर्ट रहेगा ही रहेगा। और दूसरे मतलब जो भूमि है वहाँ का भी बहुत जीवन में बड़ा रोल रहने वाला है। तो ये जो है बहुत शुभ ये चिन्ह होते हैं। और वहीं यहाँ पर जितनी आड़ी रेखा हो तो ये और जो है गाढ़े प्रमाण जो प्रमाण होते हैं वो ये बताते हैं कि व्यक्ति अब तो विदेश यात्रा करेगा ही। तो ये विदेश यात्रा और परमानेंट सेटलमेंट के योग जब इस प्रकार से बनते हैं, जब लाइफ लाइन का फ्लो इस प्रकार से निकल के बाहर की ओर चल जाए, तो व्यक्ति का फॉरेन सेटलमेंट के योग भी बहुत ब्राइट होते हैं। हालांकि अंदर की ओर से रेखा जरूर आ रही है जो फैमिली कनेक्शन अटैचमेंट को इंडिकेट करती है, जो बताती है कि व्यक्ति आखिरी समय पर वापिस से जन्म स्थान पर ही आ जाएगा। परंतु बाहर की ओर जाने वाली रेखाएं भी यहाँ पर विदेश से होने वाले या फिर वहाँ पर कुछ टाइम स्टे रुकने के योगों को आइडेंटिफाई करती है। अब एज यूजुअल यहाँ पर जो है फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आपके सामने व्यक्त करूँगा। तो फिंगर की लेंथ जो है देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में जो है नॉर्मल है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है। तो ऐसे व्यक्ति देखने को मिलता है कि काम निकलवाने में माहिर होते हैं। एनालिटिकल पर्सनैलिटी कंपेरेटिवली थोड़ी कम ही रहे जो है इनकी रहेगी, क्योंकि लिटिल फिंगर यहाँ पर शॉर्ट है। जब लिटिल फिंगर शॉर्ट होता है तो ये कम्युनिकेशन स्किल पर अफेक्ट करता है। तो व्यक्ति थोड़ा कम मतलब थोड़ा सा हिचकिचाने, घबराने, स्टेज फियर वाली प्रॉब्लम, अपोजिट सेक्स से थोड़ी सी शर्मिलापन या थोड़ी सी कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल में मन के अंदर ही बात को दबा लेना, ऐसी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन ये शो करता है। फिर यहाँ पर थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ की जहाँ तक चर्चा करें तो ये दोनों तकरीबन जो है सेम है, तब भी कंपेरेटिवली थर्ड फिंगर की लेंथ ज़्यादा है। तो सन की क्वालिटी ज़्यादा होती है व्यक्ति के अंदर, यही रीज़न है कि क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी अच्छी रहेगी, कलात्मक गतिविधि, और इस कला को बाहर लेके आए दुनिया के सामने तो फेम, पॉपुलैरिटी मिलने के योग भी बहुत प्रबल ब्राइट होते हैं। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा फ्रेंडली नेचर यानी मिलनसार स्वभाव को इंडिकेट करती है। ऐसे व्यक्ति बहुत मिलनसार होते हैं लेकिन ये नॉमिनल ही फ्रेंडशिप जो है रखने वाले रहेंगे। अंगूठा यहाँ थोड़ा शॉर्ट है जिसके कारण थोड़ी लाइफ में जल्दबाजी में काम करना, हड़बड़ी में काम करना, डिसीजंस लेना, लेकिन ये है कि फ्लेक्सिबल जो है एक मेंटेलिटी या फिर एटीट्यूड इनका रहेगा, जिसके कारण ये हर माहौल में या हर सिचुएशन में आसानी से ढल जाने वाले रहेंगे। फिर यहाँ जो है यव का भी चिन्ह बन रहा है जिसके कारण व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है, धन जो है व्यक्ति के पास अच्छा होता है, आईक्यू लेवल और सर्वप्रथम सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी देखने को, ये कुछ आइडेंटिफिकेशन है जो देखने को मिलती है। अब पाम के साइज़ पर आए तो प्योर जो है पाम यहाँ पर रेक्टेंगुलर इनका पाम जो है देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा बोल करके कार्य करना या फिर कार्य के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा बोलना, ये जो है एक आइडेंटिफिकेशन शो करता है। अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत एवं रेखाओं के बारे में आपको जो है अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं। तो व्यक्ति का जब गुरु अच्छा होता है तो लाइफ में कंफर्ट्स बहुत होते हैं, कंफर्ट्स यानी सुख सुविधा तो जीवन में अच्छी रहती है। और जैसे कि मून लक है हाथ में तो ये मैट्रिमोनियल लाइफ भी इंडिकेट करता है गुरु।
तो जब गुरु अच्छा होता है तो व्यक्ति का जो शादीनुमा जिंदगी है बहुत सुखमय होता है, सेटिस्फेक्शन स्टेबिलिटी दोनों होती है। तो जब मून लक है तो नॉर्मली 99% गुरु व्यक्ति का अच्छा देखने को ही मिल जाता है। फिर यहाँ पर लाइफ लाइन से भी जो है प्रोग्रेस लाइन निकल के जा रही है और हल्के हल्के से, बहुत हल्के हल्के से आइडेंटिफिकेशन जो है इस प्रकार से भी बन रहे हैं। तो ये जितनी भी रेखाएं हैं ये प्रोग्रेस को ही इंडिकेट करती है। ऐसा व्यक्ति नॉर्मली अपने कर्म से, अपने मेहनत से, या फिर अपने जो एक मेंटिलिटी है बहुत ही स्ट्रांग होती है और लाइफ में कुछ कर गुजर जाने की मेंटिलिटी, कुछ चाहने की, उसको भी ये आइडेंटिफाई करता है। जुनून को बताता है कि व्यक्ति किसी चीज़ को पाने के लिए कितना जुनूनी है। जुनूनी भी रहेंगे, यही रीज़न है कि लाइफ में दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस होती ही जाएगा, बढ़ोतरी होगी, रॉयल्टी भी आएगी। शनि के क्षेत्र की चर्चा करें तो थोड़ा कमज़ोर ज़रूर है, जो थोड़ा सा आलस्य या काम को टालने वाला थोड़ा व्यक्ति तो व्यक्ति का बन जाता है, लेकिन भाग्य रेखा बहुत अच्छी है यहाँ पे, क्योंकि इस ये शनि पर आते आते भी जो है दो तरफ और बढ़ गई है, गुरु के तरफ, जिसके कारण व्यक्ति को इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, सुख सुविधाएं ये सब मिलता है। सूर्य पर जाती है तो व्यक्ति बहुत ऊंचे ऊंचे लेवल से कनेक्टेड होता है, हाई पोस्ट पर जाता है, और मतलब एक जो सूर्य की तेज जो चमकती है व्यक्ति वैसा ही चमकता है कार्य क्षेत्र में। शनि पर आए तो शनि सेटिस्फेक्शन स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है कि ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ में नहीं करना पड़ेगा, सब है हाथ में, लेकिन एक जो आलस्य है वो थोड़ा सा खराब है। फिर आते हैं सूर्य के क्षेत्र पर, तो सूर्य पर भी बाहरी मंगल के क्षेत्र से रेखा निकल रही है जो मेन यहाँ पर सूर्य रेखा से आकर के जुड़ के त्रिशूल की आकृति बना रही है। तो जब भी इस प्रकार के योग बनते हैं तो बहुत बेनिफिट मिलता है, सूर्य बहुत अच्छा होता है व्यक्ति का, और जब सूर्य अच्छा होता है तो व्यक्ति को प्रतिष्ठा, सर्वप्रथम यश, कीर्ति, ये सब चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ये सब चीज़ें मिलता ही मिलता है। व्यक्ति बहुत हाई पोस्ट तक जाता है, उसके एक साइन की कीमत बहुत हो जाती है, मतलब इतने हाई पोस्ट तक कि मतलब एक ऑर्डर से काम चल जाए। तो साथ ही साथ ही मतलब फेम पॉपुलैरिटी के योग भी बनते हैं। कुलदीपक होता है ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में सूर्य रेखा पर जो है मंगल रेखा, बाहरी क्षेत्र के मंगल रेखा आकर के जुड़ जाए। तो कुलदीपक कौन होता है? कुलदीपक वही होता है जो उसके कुल का नाम करे, कुल का नाम बढ़ाए, इस प्रकार का कुछ कर्म कर जाए, फिर कुछ ऐसा काम कर जाए जिसके कारण दूसरे उसके जो रिलेटिव्स हैं वो उसके नाम से जाने जाएँ। तो ये योग बहुत प्रबल होता है, जैसे कि आगे चल के त्रिशूल बन गया है तो आगे चल के मल्टीपल जो है वर्क आपके रहने वाले रहेंगे, मतलब स्टार्टिंग करियर का एक ही जो है तौर पर होगा, जैसे बाहर से लाभ मिल रहा है तो फॉरेन से, लेकिन हो सकता है कि फॉरेन जाकर के आप मल्टीपल बिजनेस करने लग जाएँ, मल्टीपल वर्क करने लग जाएँ, जिसके कारण एक से ज़्यादा सोर्स से अर्निंग लाइफ में आपके रहेगी। तो ये बहुत सही चिन्ह है यहाँ पे। फिर मरकरी माउंट पे भी दो रेखा तीन रेखा होना शुभ होता है, आकर्षित व्यक्तित्व होता है, लोगों को बांधे रखना और खुद को लोगों के बीच में अपनी स्पेस बना लेना बहुत शुभ ही आइडेंटिफिकेशन होते हैं। और यहाँ हृदय रेखा भी जो है वो भी गोंपूछ टाइप की है, जिसके कारण व्यक्ति थोड़ा फ्लर्टी, रोमांटिक और मतलब अपने मतलब माहौल में अपने आप को ढाल लेना और अपने आप से माहौल को बना लेना, लोगों को एंटरटेन कर देना, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर इसकी, और थोड़ा चुलबुलापन इसको भी जो है व्यक्त करता है। फिर यहाँ पर जो है आपकी हृदय रेखा जो है मेनली तो सैटर्न से ही स्टार्ट हुई है, जिसके कारण व्यक्ति थोड़ा मनी को लेकर के लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन सपोर्टिव जो हृदय रेखा है इसके कारण आप लाइफ में इमोशनल भी बहुत ज़्यादा रहने वाले रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल मेंटेलिटी है। और हृदय रेखा की जहाँ तक बात करूं तो ज़्यादा मुझे ट्रबल या प्रॉब्लम शो यहाँ पर नहीं हो रहा है। हालांकि मंगल रेखा जो है, मंगल रेखा मंगल के क्षेत्र से जो है आपकी माइंड लाइन स्टार्ट हो रही है और इस प्रकार से बायफोर्क होते हुए जो है ये चल रही है, तो मंगल के क्षेत्र से प्रारंभ होने के कारण वही है कि जल्दबाजी हड़बड़ी में बहुत ज़्यादा काम करेंगे आप, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बखूबी आपके ऊपर खूब रहेगी फैमिली की, लेकिन ये है कि व्यक्ति के हड़बड़ बोला को बताता है कि हड़बड़ी में बहुत रहता है व्यक्ति, बिन सोचे समझे भी बहुत बार ऐसा होगा कि आप डिसीजंस ले ले, करियर चुन ले या फिर कोई माइंड सेट कर लें, तो वो इस पर थोड़ा कंट्रोल आप ही को खुद को जो है रखना रहेगा। अदरवाइज माइंड लाइन जो बायफोर्क हुई है या फिर जो प्रोग्रेस लाइन इस माइंड लाइन से निकल रही है ये बहुत शुभ होती है, बहुत शुभ। ऐसा व्यक्ति मतलब मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है और अपने मेंटल मतलब खुद के बुद्धि के बलबूते पर जीवन में बहुत सक्सेस पाता है। तो व्यक्ति का खुद का कर्म उसका मायने होता है, उसकी खुद की बुद्धि मायने होती है। तो कर्म तो मुझे थोड़े से कम ही मिल रहे हैं, लेकिन आपकी बुद्धि और विवेक जो है ये आपको खूब प्रोग्रेस आपकी लाइफ में करवाएगी। थोड़ा जो मेन माइंड लाइन है वो डिक्लाइन जरूर हो रहा है, जिसके कारण ओवर थिंकिंग या थोड़ी मैं कह सकता हूँ कि बात का थोड़ा बतंगड़ करना, थोड़ा बात के जड़ तक जाना हर चीज़ के, ऐसे आइडेंटिफिकेशन रहेगी। अदरवाइज जो मंगल बाहरी मंगल से एक रेखा जो आ रही है ये मेंटली बहुत स्ट्रांग करती है व्यक्ति को, स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी थोड़ा लॉजिकल जो है लाइफ में बनाते हुए देखने को मिलती है।
फिर लाइफलाइन में आए तो लाइफलाइन थोड़ी डिस्टर्ब जरूर है, यहाँ पे प्रोमिनेंट नहीं है, प्रोमिनेंट ये हो रही है तकरीबन 34-35 एज के बाद आकर के, 40 के आस के एज के बाद आकर के और ज़्यादा जो है ये प्रोमिनेंट होते हुए इस प्रकार से चल रही है। तो तकरीबन जो है ये मान के चलिए कि 37+ के बाद आकर के ये जो आपकी लाइफ लाइन है वो प्रोमिनेंट है, उसके पहले तक उथल पुथल बहुत है लाइफ लाइन में। तो ये लाइफ लाइन थोड़ी जब बिखरी हुई होती है, प्रोमिनेंट जो जैसा कि देख पाएंगे नहीं चलती है, तो ये करियर वाइज होने वाले टेंशंस को, मनी से रिलेटेड टेंशंस को, फैमिली से रिलेटेड टेंशन को ये थोड़े से इंडिकेट यहाँ पर करती है। फिर एक जो है कष्ट आ रहा है आपको, ये जो उम्र है ये तकरीबन आपकी रहेगी 36-37 पे ही, और उसके बाद से लाइफ लाइन में जो है सुधार होते हुए देखने को मिला है। और जैसा कि अंत में जाकर के त्रिशूल जैसी हल्की हल्की सी जो आकृति बन गई है इस प्रकार से, तो ये जो है बीच की रेखा करियर फोकस, सेल्फ फोकस, अंदरूनी रेखा फैमिली से बहुत अटैचमेंट, बाहर की रेखा विदेश यात्रा, विदेश में रहना रसना बसने को इंडिकेट करती है। तो अभी का जो फेस चल रहा है वो थोड़ा सा ट्रबल में रहेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, अदरवाइज कोई बहुत बड़ा डीप बिग प्रॉब्लम ट्रबल नहीं है, क्योंकि आपकी जो फेट लाइन है वो रेगुलरिटी पे चल रही है। तो भाग्य का सहयोग, किस्मत का सहयोग, धन ये बरकरार रहेगा लाइफ टाइम, इससे कभी भी कोई टेंशन या फिर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो हाथ में क्या होता है कि हर रेखा हर पर्वत कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, क्योंकि सभी के प्रभाव मिले हुए होते हैं। तो जैसा कि लाइफ लाइन है डिस्टर्ब है, लेकिन लक लाइन डिस्टर्ब नहीं है, तो लक के कारण आप हर फेस से जो है आसानी से निकल जाने वाले रहेंगे। फिर आते हैं आपके यहाँ पर जो है मंगल के क्षेत्र पे, तो अंदरूनी मंगल नॉर्मल है, शारीरिक गठन बलता, थोड़ा ऊर्जा व्यक्ति के अंदर कम ही रहता है, बाहरी मंगल अच्छा है जिसके कारण शारीरिक गठन माफ करें मानसिक बलता जो है बहुत ज़्यादा रहेगी। हर सिचुएशन को फेस करना, कैसे सिचुएशन से बाहर निकलना है, किसी को बहुत अच्छा कंफर्ट जोन दे देना, तो ये मेंटली स्ट्रांग होने की निशानी है होती है। फिर शुक्र के क्षेत्र पर आइए, तो शुक्र ज़्यादा एरिया ले रहा है, थोड़ा सा अपोजिट सेक्स के प्रति झुकाव ज़्यादा होता है व्यक्ति का, अदरवाइज लग्जरीज व सुख सुविधा के साधन अच्छे रहेंगे, और जितनी ये खड़ी देखा है ये अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करती है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी आएंगी और उन अपॉर्चुनिटीज़ का आप लाभ भी उठा पाएंगे। हल्की सी आड़ी देखा अनावश्यक चिंताओं को इंडिकेट करती है, जो अननेसेसरीज वरीज हैं जो थोड़ा बहुत रह सकता है इस दौरान, जो अभी आपका उम्र चल रहा है इस थोड़ा दौरान में थोड़ा सा प्रॉब्लम रह सकता है, अदरवाइज कोई बिग इशू और ट्रबल नहीं है। फिर शुक्र के क्षेत्र से जो यहाँ पर चंद्र तक ये जो रेखा ये जो जा रही है, ये थोड़ा सा किसी चीज़ के एडिक्टेड होने को इंडिकेट करती है। तो अगर आप किसी चीज़ के एडिक्टेड हैं तो छुटकारा पा लीजिए, वरना भी ये बीमारी होने के योगों को बहुत प्रबल कर देगी। फिर यहाँ पर केतु के क्षेत्र की चर्चा करूँ तो ठीक है, विभाजित हुई जीवन रेखा, ट्रैवलिंग खूब करवाएगी, यात्राओं छोटी छोटी यात्राओं से ही अत्यधिक लाभ मिलने लगेगा जीवन में। और वहीं यहाँ से निकलने वाली ये जो रेखाएँ हैं ये बिजनेस लक है, स्वास्थ्य में भी ये इम्प्रूवमेंट के कारक होती है, और ये बहुत ज़्यादा स्तर में जो है निकल रही है, तो आगे चल के बिजनेस में भी अपना हाथ आजमाएंगे, और व्यापार के माध्यम से ही मल्टीपल बिजनेस या फिर आपको जो साम्राज्य जो रचने का योग बन रहा है वो बिजनेस व्यापार के द्वारा ही ज़्यादातर बनने जो है बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस में आना और बिजनेस के द्वारा अच्छा प्रोग्रेस मिलना, इसके योग बहुत प्रबल हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मनी ट्रायंगल बन रहा है उसका मेन किरदार तो ये बिजनेस लक ही है। तो और ऊपर से ये राहु के ऊपर, खासकर बिल्कुल राहु के ऊपर मनी ट्रायंगल बन रहा है, तो जब राहु के ऊपर इस प्रकार के योग बनते हैं तो व्यक्ति बहुत धनी होता है, अंधाधुन पैसा देखने को मिलता है ऐसे व्यक्ति के पास, कितना होता है ऐसे व्यक्ति को खुद ब खुद नहीं पता होता। तो ये क्यों हो रहा है, ये व्यापार रेखा का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि व्यापार रेखा भी जो है यहाँ पर चंद्र से कनेक्टेड है, और चंद्र क्या इंडिकेट कर रहा है कि बाहरी दुनिया और बाहरी लोगों का सपोर्ट खूब रहेगा। और व्यापार में भी क्या होता है, हमको बाहरी लोगों का सपोर्ट मिलता है, हमारे कस्टमर हमारे ग्राहक जो रिलेशन बनते हैं बाहर, वहाँ से बहुत मुनाफा मिलता है। तो यही रीज़न है कि व्यापार में आपका बहुत भाग्य उन्नति के योग बहुत प्रबल हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। और जैसा कि यहाँ पर जो इस प्रकार का जो साइन बना है ये रेक्टेंगुलर, तो ये भी जो है खुद की प्रॉपर्टी बनने के योग बहुत ब्राइट होते हैं ऐसे लोगों के। तो जितनी महत्वपूर्ण बातें थी सब मैंने कवर करने की कोशिश करी, कोई और प्रश्न रहेगा।